गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुमसराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिवान न्यूज और मैं हूं अमित। बसंतपुर से 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे प्रखंड में एक तरफ से सनसनी फैली हुई है। और ये 20 मरीज कहाँ के हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं बसंतपुर PSC के जो स्वास्थ्य प्रबंधक हैं उनसे। सर, ये 20 मरीज कहाँ से मिले हुए हैं? 20 मरीज स्कूल क्वारंटाइन से मिले हुए हैं और होम क्वारंटाइन से मिले हुए हैं। होम क्वारंटाइन, ये जितने भी मरीज हैं ये लोग कहाँ से, इनकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या थी? इनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, सूरत है, लुधियाना और पंजाब है। इस ढंग से लोग जो बाहर रेड जोन से आए हुए हैं लोग, वही लोग हैं। हमारे साथ चिकित्सा पदाधिकारी महोदय भी हैं, इनसे बात करेंगे कि कहाँ से ये लोग आए थे और कब इनकी सैंपल जांच हुई थी और कब पॉजिटिव पाए गए। इसमें से जो टोटल 20 लोग हैं उसमें से 13 लोग हमारे जो हैं वो होम क्वारंटाइन के हैं और 7 लोग ब्लॉक क्वारंटाइन के हैं। क्योंकि हम लोगों को टारगेट दिया गया था, ये जाँच फर्स्ट को हुआ है 1 जून को, जिसमें टारगेट दिया गया था कि 25 और 25 ब्लॉक क्वारंटाइन और 25 होम क्वारंटाइन से देने का, जिसमें हम लोगों ने उसके हिसाब से टारगेट दिया था, जिसमें 13 ब्लॉक होम क्वारंटाइन के लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 7 ब्लॉक क्वारंटाइन के। जो होम क्वारंटाइन के हैं उसमें जो मेन है, जो बाहर से आने वाले का हिस्ट्री है वो पंजाब से है और दूसरा जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो गुजरात के हैं। और जो होम क्वारंटाइन ब्लॉक क्वारंटाइन के हैं उसमें से अलग अलग जगह से आया गया है, जिसमें आलोक कुमार हैं, अब्बास हैं, नौशाद अली हैं और बाकी वीरेंद्र बासफोर हैं। ये अलग अलग जो ब्लॉक क्वारंटाइन में थे उसमें से BRC के हैं, कुछ करही शामपुर के हैं। बसाव से भी 9 पॉजिटिव मिले हैं, वे लोग एक ही परिवार के हैं या फिर अलग? बसाव नहीं, नगरी के 9 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से नगरी के हैं लोग, उसमें सब वो लोग एक ही फैमिली के हैं जी। जो उसमें से मेन जो आया था वो गुजरात के थे। क्या अपील रहेगी जनता से, क्योंकि अब क्वारंटीन सेंटर भी बंद होने वाला है, लोग प्रवासी आ ही रहे हैं, ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तो क्या अपील रहेगी लोगों से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल 2 तारीख से हमारा जो है मेन क्वारंटाइन सेंटर जो आ रहे हैं लोग, उससे हम लोग अब सिर्फ जाँच कर रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं और बाकी कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, क्योंकि घर में आप लोग 14 दिन तक बिल्कुल घर में रहें, किसी से कॉन्टैक्ट में ना रहें, मास्क का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और बाकी सारा चीज़ जैसे अलग से सारा अपना रहें। और 14 दिन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हम लोग स्वास्थ्य PSC में या फिर 104 नंबर पे आप कॉल करके हम लोग को सूचना दे सकते हैं, जिसकी अगर दिक्कत होने पे मेडिकल टीम जाएगी, घर पे जांच करेगी। ये भी है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है क्या पॉजिटिव मरीजों की? अभी तो हम लोग इसको अब कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, जैसा कि गाइडलाइन अगर ऊपर से आएगा तो हम लोग कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद से फिर से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, जो इनके संपर्क में रहे हैं उसका जांच कराएंगे, तो ऑब्वियसली है कि संख्या बढ़ सकती है।